बचपन के वो दिन, वो तो गुजर जाते हैं पर यादें रह जाती हैं। तो उसी यादों को ताज़ा करने के लिए हम आ चुके हैं मेला घूमने। तो ये मेले में यार हम लोग बहुत आते थे पहले, अपना पैसे इकट्ठा करके, मम्मी से जिद करके सब लोग, सारे बच्चे घूमने आते थे मेला, और झूला अपने अपने पैसे से झूलते थे। क्योंकि गाइस हम लोग को मम्मी एक बार घुमा दी होती थी, फिर भी हम लोग को जाना ही होता था अपने पैसे से झूला झूलने। क्या आप लोग भी ऐसा ही करते थे बचपन में? अगर करते थे तो कमेंट में बताना गाइस। और मेले का सामान सबसे इम्पॉर्टेंट, इतना प्यारा लगता है कि दिल करता है कि सारा ही उठा लूँ। क्या ऐसा करना सही होगा? नहीं यार, ऐसा तो नहीं किया जा सकता। आप मेरे चेहरे की खुशी देख रहे हैं ना गाइस, मेले में आकर मैं इतनी ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आई थी मेले घूमने। तो बस हम लोग बहुत सारा झूला झूले। आपका कौन सा फेवरेट झूला है? ये बड़ा वाला झूला है ना, मुझे इससे डर लगता है गाइस, और मेरी बहन को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं उसे बोली कि तुम जाओ, मैं यहीं खड़ी रह के वेट करूँगी। और मुझे दिखा ये कॉटन कैंडी, आप बताओ बचपन में इसे क्या कहते थे? मैं तो इसे बुढ़ी का बाल कहती थी गाइस। ये देखिए मैं लेके खुश हो रही हूँ, करी मेरा फ़ोटो खींच दे यार। तो मेरी बहन मेरा थोड़ा सा वीडियो ही कर दी। और ये यार यहाँ पे इतने सारे चिप्स थे, स्माइली वाले चिप्स और ग्रीन वाला चिप्स, इतने तरह के चिप्स थे गाइस। मुझसे थोड़ा हानि गया, मैंने थोड़े से ले लिए पूछ करके मम्मा से, तो मम्मा बोली ले लो। और उसके बाद मैंने खाए ये बुढ़ी के बाल, जिसे कहते हैं आप सब कॉटन कैंडी। और कौन कौन बुढ़ी का बाल कहता है अब बताना। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ अब घर, और घर पे आते ही मुझे मिला बिरयानी, क्योंकि बहुत स्पेशल डे था तो बिरयानी तो बनता है गाइस, हर स्पेशल ओकेज़न पे घर में बिरयानी ही बननी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और आप लोग क्या कहते हो कमेंट